brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो कल सच हो गई। काबुल में स्थित हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय एयरलिफ्ट कैंपेन का केंद्र है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। इनमें विदेशी और स्थानीय अफगान नागरिक भी हैं। एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ जमा हो रही है कि सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, सिस्टम बदहाल है। इसी बाबत 26 अगस्त की सुबह सुरक्षा एजेंसियों ने हमले की चेतावनी जारी की थी और शाम होते होते ये सच साबित हो गई। काबुल एयरपोर्ट के पास सीरियल बम धमाकों में 90 से अधिक अफगान नागरिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 13 अमेरिकी सैनिक भी इस हमले में मारे गए हैं। सैकड़ों की संख्या में सैनिक और आम नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। हमने कल के शो में सुरक्षा एजेंसियों की वार्निंग के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे काबुल सीरियल ब्लास्ट की पूरी कहानी क्या है। इतनी भारी सुरक्षा और तालिबान के आश्वासन के बाद भी ये हमला कैसे हो गया? किस आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? इस घटना का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है और आगे क्या होने वाला है? नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। 26 अगस्त 2021 को इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर सुबह से ही चर्चा में थी। ये खबर जुड़ी थी काबुल एयरलिफ्ट से। जैसे जैसे बाहर निकलने की डेडलाइन नजदीक आ रही थी, काबुल एयरपोर्ट से उड़ रहे प्लेन्स की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही थी। 26 अगस्त को हर 39 मिनट में एक प्लेन उड़ान भर रहा था। अमेरिका ने 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को बाहर निकालने का वादा किया है। अभी 3000 से अधिक अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात हैं। सुबह तक सब ठीक चल रहा था, फिर तीन देशों की वार्निंग जारी हुई। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा। बाकी लोगों को भी एयरपोर्ट पर आने से परहेज करने के लिए कहा गया। ये भी पता चला कि खतरे के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ब्रीफ किया गया था। यूएस आर्मी को प्लान बी तैयार रखने का आदेश मिला ताकि एयरलिफ्ट कैंपेन में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। अमेरिका ने ये चेतावनी तालिबान के साथ भी साझा की। फिलहाल तालिबानी लड़ाके एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी देख रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए पहले तालिबान के घेरे से होकर गुजरना होता है। जब तक की चेतावनी पर अमल हो पाता, पहले हमले की खबर आ गई। एयरपोर्ट के पास कुछ दूर हटकर बैरन होटल है। यहाँ ब्रिटिश अधिकारी एयरपोर्ट जाने वालों के कागजात चेक करते हैं, फिर उन्हें वहां से बसों में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया जाता है। 26 अगस्त की शाम 6 बजे इसी होटल के पास पहला धमाका हुआ। जब तक लोग धमाके से उभर पाते, कुछ बंदूकधारियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। ये चल ही रहा था कि एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस पर दूसरा धमाका हो गया। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में खबर चली कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस हमले में नुकसान का ग्राफ ऊपर जाने लगा। जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, उस वक्त तक लगभग 100 से अधिक अफगान नागरिकों की मौत की खबर है। 26 अगस्त की रात तक 12 अमेरिकी सैनिकों के मरने की सूचना थी। 27 अगस्त को ये आंकड़ा बढ़कर 13 हो चुका है। 18 अमेरिकी सैनिक जख्मी हैं। ये अफगानिस्तान में यूएस आर्मी पर पिछले 10 सालों में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 6 अगस्त 2011 को यूएस आर्मी के एक हेलीकॉप्टर पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। इसमें 30 अमेरिकी सैनिक और 8 अफगान मारे गए थे। उस समय अमेरिका कॉम्बैट मिशन में था। अभी कथित तौर पर शांतिकाल चल रहा है। तालिबान और अमेरिका के बीच शांति का समझौता हुआ है। 31 अगस्त की डेडलाइन तक तालिबान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला न करने का वादा किया है। ये धमाके काबुल में हुए थे, लेकिन इसकी गूंज ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। आतंकियों द्वारा 2 बम धमाकों के बाद भी काबुल में पैनिक की स्थिति थी, क्योंकि रात के अंधेरे में रह रहकर धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हालांकि बाद में पता चला कि यूएस आर्मी अपने गैर जरूरी गोला बारूद को नष्ट कर रही है। हमले के बाद तत्काल सभी एजेंसियां हरकत में आ गई। शुरुआती जांच में पता चला कि कम से कम एक हमलावर सुसाइड बॉम्बर था। उसने भीड़ के बीच खुद को बम से उड़ा लिया था। क्या यह हमला तालिबान ने किया था ताकि विदेशी सैनिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालने पर मजबूर किया जा सके? इस पर तालिबान का बयान आया कि काबुल ब्लास्ट एक आतंकी हमला है। इस हमले में उसके खुद के 28 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिका की तरफ से भी बयान आया कि तालिबान इस हमले का जिम्मेदार नहीं है, वो तो एयरलिफ्टिंग में मदद कर रहा है। अभी ये पता नहीं चला है कि तालिबान की स्क्रीनिंग के बावजूद हमलावर एयरपोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब कैसे हो गए। अगर काबुल पर तालिबान का कब्जा है, तो उसकी निगरानी में इतना बड़ा हमला संभव कैसे हुआ?
काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भरोसा दिलाया था। तालिबान ने कहा था कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए नहीं होने देगा। काबुल ब्लास्ट ने उसकी कथनी और करनी में अंतर को और बढ़ा दिया है। अब सवाल ये आता है कि तालिबान नहीं तो और कौन? इस बर्बर हमले की जिम्मेदारी ली इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी ISKP ने। इसे ISISK जैसे नाम से भी जाना जाता है। हमले के बाद ISKP ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। इसके मुताबिक तालिबानी लड़ाके इस हमले का निशाना नहीं थे, आतंकी अमेरिकी सैनिकों और उनके अफगान सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए थे। स्टेटमेंट के साथ आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की गई है। उसका नाम अब्दुल रहमान अल लुगारी बताया गया है। तस्वीर में लुगारी का चेहरा स्पष्ट नहीं है, उसके बाएं हाथ में बंदूक है और पीछे इस्लामिक स्टेट का झंडा लगा है। इस्लामिक स्टेट की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने 160 लोगों की हत्या का दावा किया है। उसने साफ लिखा कि इन हमलों का निशाना अमेरिकी सैनिक थे, तालिबान नहीं। अब सवाल उठता है कि ये ISKP है क्या? काबुल ब्लास्ट के पीछे उसकी मंशा क्या थी? जून 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत यानी ISIL ने इस्लामिक स्टेट बनाने का ऐलान किया इराक और सीरिया के उन इलाकों में जहां पर ISIL का कब्जा था। उस समय इस गुट की कमान अबू बकर अल बगदादी के पास थी। बगदादी ने खुद को खलीफा यानी दुनिया भर के मुस्लिमों का लीडर घोषित कर दिया। एक तालिबान पाकिस्तान में भी है, उसका नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। सितंबर 2014 में उसके 6 सीनियर कमांडर्स अलग हो गए, वे सभी अफगानिस्तान गए। वहां उन्होंने अफगानिस्तान वाले तालिबान के कुछ बागियों के साथ मिलकर ISKP की स्थापना की। खुरासान क्या है? ये एक ऐतिहासिक इलाके का नाम है जो 7वीं सदी में इस्लामिक कैलिफेट के कब्जे में आया था। इसका अर्थ होता है उगते सूर्य की धरती। आधुनिक समय में खुरासान के कुछ कुछ हिस्से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में फैले हुए हैं। इसी प्राचीन नाम के आधार पर ISKP का नामकरण हुआ। गठन के साथ ही ISKP ने बगदादी को अपना खलीफा मान लिया। अपने पीक पर ISKP का संख्या बल लगभग 3000 के आसपास था। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भारत के भी जिहादी शामिल थे। तालिबान के वे लड़ाके जिन्हें अपना संगठन कम कट्टर लगता था, उन्होंने भी ISKP से हाथ मिला लिया। ISKP अफगानिस्तान में हुए कुछ सबसे नृशंस आतंकी हमलों के लिए कुख्यात है। पिछले साल मेटर्निटी हॉस्पिटल में बम धमाका हो या काबुल में गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला और अब काबुल एयरपोर्ट, इन सारे हमलों की जिम्मेदारी ISKP ने ली है। अब बताते हैं कि ISKP तालिबान के कितना करीब है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान पर हुए बड़े हमले को ISKP और हक्कानी नेटवर्क ने मिलकर अंजाम दिया है। हक्कानी नेटवर्क इस समय तालिबान का सबसे बड़ा पार्टनर है। वो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। इस्लामिक स्टेट ने कई बार अमेरिका के साथ समझौते को लेकर तालिबान की आलोचना भी की है। IS यानी इस्लामिक स्टेट का कहना है कि तालिबान इस्लाम की मूल विचारधारा से भटक गया है। ISKP और तालिबान ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी हैं। एक सवाल ये भी आता है कि इस हमले के पीछे ISKP की मंशा क्या थी। अमेरिका और अफगान सेना के साथ लड़ाई में ISKP को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। उसके कई बड़े कमांडर एयर स्ट्राइक में मारे गए। माना जा रहा था कि ISKP का अस्तित्व मिट चुका है। 2017 में US आर्मी ने दावा किया था कि ISKP के 75% आतंकी मारे जा चुके हैं। इराक और सीरिया में भी इस्लामिक स्टेट को उखाड़ा जा चुका है। अक्टूबर 2019 में बगदादी की मौत के बाद इस्लामिक स्टेट का नाम चर्चा से गायब होने लगा था। जानकारों का कहना है कि ISKP ने यह हमला अपने उभार का सबूत देने के लिए किया है। उसका हाल फिलहाल में कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, वो बस अपने नाम के डर को कायम रखना चाहता है। हालांकि ये भी बात सच है कि इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत आ चुकी है। अगर इससे अभी नहीं निपटा गया तो यह आगे चलकर नासूर बन सकता है। अगर तालिबान सच में ISKP से खुद को अलग दिखाना चाहता है तो उसे भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ये तो हुई ISKP की बात। अब बताते हैं कि हमले के बाद अमेरिका ने क्या किया। 26 अगस्त को इसराइल के नए नवेले प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट व्हाइट हाउस में थे। फिलिस्तीन के साथ चल रहे ताज़ा विवाद को लेकर उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर काबुल ब्लास्ट की खबर आ गई। तय समय से 15 मिनट पहले बेनेट के साथ मीटिंग रद्द कर दी गई। जो बाइडेन की स्टेट्स के गवर्नर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग भी तय थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया।
हालात की समीक्षा के बाद जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने पहले मारे गए सैनिकों को याद किया और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। बाइडेन ने साफ किया कि अमेरिका का अफगानिस्तान में और रुकने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरलिफ्ट कैंपेन पहले की तरह ही चलता रहेगा। हालांकि बाइडेन ने यह भी वादा किया कि अमेरिकी सैनिकों की हत्या के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। उसके लिए समय और जगह अमेरिका तय करेगा। 31 अगस्त तक अमेरिका का बाहर जाना लगभग तय है, लेकिन उसका अफगानिस्तान से नाता तब भी शायद ही टूटेगा। उसे अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेने वापस आना ही होगा। ये कब और किस स्वरूप में होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब निष्कर्ष की बात। काबुल बम ब्लास्ट के बाद बहुत सारी विडंबनाएं सामने आई हैं। पहली, तालिबान ने कहा कि काबुल ब्लास्ट एक आतंकी हमला है, लेकिन इसी तालिबान ने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी। यही तालिबान हजारों अमेरिकी सैनिकों और बेगुनाह अफगान नागरिकों की हत्या का जिम्मेदार भी है। यही तालिबान अतीत में विदेशी दूतावासों और नागरिकों पर अनगिनत हमले कर चुका है। दूसरी बात, अमेरिका ने तालिबान को विद्रोही गुट घोषित किया हुआ है ताकि आतंकियों से समझौता करने का लांछन न लगे, जबकि तालिबान के साथ काबुल की गद्दी पर बैठने वाला हक्कानी नेटवर्क घोषित आतंकी संगठन है। काबुल स्थित विदेशी दूतावासों पर हमले और विदेशी नागरिकों की किडनैपिंग में उसका नाम आया है। नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उसके ऊपर 37 करोड़ रुपए का इनाम है। तालिबान की लीडरशिप में वो दूसरे नंबर पर है। जब तालिबान की सरकार बनेगी तब उसकी भूमिका अहम होने वाली है। कौन भरोसा करेगा कि सरकार में शामिल होने के बाद हक्कानी नेटवर्क अचानक से पाक साफ हो जाएगा। तीसरी बात, ISKP कैसे बना? पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के बागियों को मिलाकर अमेरिका और पाकिस्तान ने ISKP और पाकिस्तानी तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ISKP के कई टॉप लीडर्स का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है, उन्हें वहां ट्रेनिंग मिली है, समय समय पर ISI का सपोर्ट भी मिलता रहा है। पाकिस्तान दुनिया को ये बताता है कि वो अपने यहाँ वाले तालिबान को मिटाने के लिए मिलिट्री कैंपेन चलाता रहता है, मगर रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान उन्हें हर तरह से मदद देता है। अमेरिका के एयर स्ट्राइक में ISKP की कमर टूट गई थी। इस गुट को समाप्त माना जा रहा था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद इतनी जल्दी उभार होना बताता है कि उन्हें संरक्षण मिल रहा है। इस मामले में सीधा शक पाकिस्तान पर ही जाता है। ये बात भी याद रखी जानी चाहिए कि जब तालिबान एक एक कर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर रहा था, तब उसने जेलों में बंद आतंकियों को भी छुड़ा लिया था। इनमें से कई ISKP से भी जुड़े थे। उन्हें अमेरिका और उसके सहयोगियों से बदला लेना था, उन्होंने ले लिया। क्या वे आतंकी यहीं तक रुक जाएंगे? कतई नहीं। चौथी बात, हिंदुस्तान टाइम्स में 27 अगस्त को शिशिर गुप्ता की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, क्यूरियस केस ऑफ ISKP अमीर इस्लाम फारूकी एंड पाक लिंक्स। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 में असलम फारूकी ISKP का सरगना बना। उसकी पैदाइश पाकिस्तान की है। असलम फारूकी पहले लश्करे तैयबा के लिए काम कर चुका है। ये गुट पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है। मार्च 2020 में काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। इसमें एक भारतीय और 26 अफगान सिख मारे गए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड असलम फारूकी ही था। अप्रैल 2020 में फारूकी को अफगानिस्तान में अरेस्ट किया गया। उस समय पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को बुलाकर फारूकी को सौंपने की मांग रखी थी। पाकिस्तान को डर था कि वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल ना दे। हालांकि उसे पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। असलम फारूकी बगराम जेल में बंद था। आशंका जताई जा रही है कि बगराम पर तालिबान के कब्जे के दौरान फारूकी भी वहां से भाग निकला। जब ISKP ने काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली, उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उसका निशाना अमेरिका और उसके सहयोगी थे, तालिबान नहीं। ये कोई कैसे मान सकता है कि तालिबान और ISKP अलग है? पाकिस्तान में एक धड़ा तालिबान की वापसी को लेकर बहुत खुश है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। पाकिस्तान में पूर्व ISI चीफ हामिद गुल का एक बयान खूब चर्चित है। गुल ने कई बरस पहले एक TV शो में कहा था, जब इतिहास लिखा जाएगा तब कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी। फिर एक जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। इस बात की क्या गारंटी है कि यह जुमला पलटकर एक दिन पाकिस्तान पर चोट नहीं करेगा? अगर आप किसी सनकी के हाथ में बंदूक सौंपेंगे तो उससे ये उम्मीद मत रखिए कि वो हमेशा आपकी हिफाजत ही करेगा। हो सकता है कि बंदूक की नली आपकी पीठ पर ही तान दे।
अफगानिस्तान इसका ताजा तरीन उदाहरण है। इससे सबक लेने में ही सबकी भलाई है। आतंकवाद की जड़ जो कि पाकिस्तान के सरकारी तंत्र की छत्र छाया में फल फूल रही है, अगर उसे काटना है तो फिर जड़ पर ही चोट करनी पड़ेगी, वरना विध्वंस रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।